अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं, माशाल्लाह अपनी फैमिली को भी भेजते हैं, खर्चा अपना भी करते हैं, और वेल ड्रेस है, खुद के बॉस है, किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं है इनको। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको कितना टाइम हो गया इसमें काम करते हुए? मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया है वैसे इधर आए हुए, डेढ़ तो एक साल से इधर मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बैदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं के सदके। तो जैसा कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ डिफरेंट किस्म के अर्निंग के हवाले से और डिफरेंट बिजनेस के हवाले से, तो आज माशाल्लाह आपने एंट्रो में देखा होगा कि हाईलैंडर के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ अपने दोस्त के साथ। ये हमारे व्यूवर्स भी हैं और भाई भी हैं, तो ये सऊदी अरब से मेरी वीडियो देख रहे थे माशाल्लाह, और इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया मेरी वीडियो की तवसत से, तो वहाँ से वो इंस्पायर हो के ये तो इन्होंने सोचा कि मैं भी लिमोजिन में काम करना चाहता हूँ। तो इनकी आलमोस्ट मुझे 1 साल के बाद या 8-9 महीने या 9 महीने के बाद इनकी मेरी मुलाकात हुई है, तो आज इनसे गपशप लगाई है, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो आज मिलते हैं जी, हाईलैंडर इनके पास है माशाल्लाह, एडवांस पेमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, कितनी अर्निंग कमा रहे हैं, क्या ये अपना प्रॉफिटेबल इसमें काम कर रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, ये पूरी डिटेल उनसे शेयर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत है माशाल्लाह। आपका नाम जी, तारफ करवाया हमारे व्यूअर्स को जी। जाम रियाज अहमद मेरा नाम है सर। अच्छा जी, फ्रॉम पाकिस्तान, किधर से? रहीमियर खान से सर, खानपुर कटोरा। ओके जी, माशाल्लाह जी, आपने हाईलैंडर ली हुई है गाड़ी, आपको मजा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, लेक्सस से बेहतर कंफर्ट महसूस करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमने सुना है कि लेक्सस जो गाड़ी ना हाईलैंडर से वो ज़्यादा कंफर्ट है, लेकिन आप ये गाड़ी चला रहे हैं तो मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ। तो क्या आप हमारी वीडियो सऊदी अरब में देखते थे पहले? सर आपकी वीडियो तो देखिए तो इधर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप काफी इन्फॉर्मेटिव, आपकी यानी कि आप मैसेज मिलते हैं हमें सब यानी समझने को आता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये चीजें देखकर तो मैं इधर ही आया हूँ। सही, तो माशाल्लाह मैं आपका फैन भी हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया इसमें काम करते? मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो गया है वैसे इधर आए हुए, डेढ़ साल, एक साल से इधर मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी डाउन पेमेंट कितनी है हाईलैंडर की? डाउन पेमेंट 60,000 सर। 60,000 इसकी इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट पड़ जाती है सर कभी 7800 यानी मैक्सिमम 8,000 लगा ले। 8,000 जी। तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब में आप काम करते थे, वहाँ की जो सैलरी है अगर उसको कंपेयर इधर दुबई के अंदर किया जाए, आप यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं कि सऊदी अरब में आप जो काम कर रहे थे वो सही है आपके लिए? नहीं माशाल्लाह इधर सही है सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मेहनत है थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह कर रहे हैं मेहनत, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहनत ज़ाया नहीं करता, इंशाल्लाह हमें आगे मेहनत का सीधा मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके जो अखराजात है गाड़ी की इंस्टॉलमेंट वगैरह निकल रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आप कितने घंटे ड्यूटी का? 12 घंटे सर। 12 घंटे, दो शिफ्टें चल रही हैं इसमें? दो शिफ्टें सर, 12-12 घंटे की। जी जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अभी आप जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो मैंने बात पूछी है आपकी जी, वो आपकी क्लियर हो जाती है इजी आउट सीजन के अंदर, या आपके ऊपर कोई बैलेंस चढ़ गया है कोई आउट सीजन के अंदर? नहीं, आउट सीजन में थोड़ा सा बैलेंस ऊपर गया है सर, तो अभी काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ठीक जा रहा है काम माशाल्लाह। आपकी एवरेज कितनी आ रही है डेली की? यानी डेली की देखे ना आप, उबर भी है, करीम भी है, यंगो भी है, तीन आईडी है। ठीक जी, तीन आईडी है, तो इसमें अर्निंग देखने सर तकरीबन 400-450 380 इसके करीब 350 एक ड्राइवर यानी के? जी जी 12 घंटे में, 12 घंटे में एक ड्राइवर कर रहा है माशाल्लाह, यानी कि दो ड्राइवरों के साथ 800-900 की एवरेज आ रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 700-750। ओके, अगर 400 का आप काम करते हो तो इसमें अपना फ्यूल की कॉस्ट कितनी आती है? हाइब्रिड गाड़ी है ना ये? जी हाइब्रिड है, देखे ना अब फ्यूल 50-40 दिरहम या लग जाता है 12 घंटे में, 12 घंटे का जी। और अगर डेली की एवरेज आपने रखी हुई है कॉस्ट इसकी कितनी आती है फ्यूल की और इंस्टॉलमेंट की अपना खर्चा?
नहीं, ये एंड ऑफ मंथ जो हिसाब है ना वो कर लेते हैं फिर। यानी कि मैं मतलब ये कहने का कि 50 रुपए आप फ्यूल के लगा ले, डेली का आप 200 दरम या 300 दरम लगा ले जी, खर्चा इसका 350 दरम ये आपका कॉस्ट आती है जी, दो ड्राइवरों के साथ जी। फिर आपकी गाड़ी की किस्त और फ्यूल जो वो क्लियर होता है जी जी। तो यानी कि आप 600 कमा रहे हो, 150 आपको बच रहा है, 150 आपके पार्टनर को बच रहा है, ऐसे ही समझ ऐसे ही है ना, ऐसे समझ ले कैलकुलेशन करके ना, अभी जो काम स्टार्ट अभी हुआ है। हाँ ऐसे ही जी जी। तो माशाल्लाह जी अच्छी बात है। तो आप मुझे अभी आप अपनी रेटिंग वगैरह दिखाएं और काम दिखाएं जरा थोड़ा सा, ताकि हमारे व्यूअर को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखें ना अब ये मेरी है क्रीम की आईडी जी, अब देखें ना 100% मेरी एक्सेप्टेंस रेट है, माशाल्लाह कंप्लीट रेट 95 है। हाँ तो कहने का ये मकसद है सर, अब जो इधर बंदे काम कर रहे हैं ना जी जी, प्रॉपर टाइम नहीं देते, अगर आप इस चीज में टाइम देंगे ना इंशाल्लाह आपको काम मिलेगा जी। तो प्रॉपर टाइम ना देने की वजह से जाहिर है फिर लोग कहते हैं यार इसमें काम नहीं है, काम नहीं है। तो आप टाइम दे ईमानदारी से, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके काम में बरकत देगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अब लोग बस कहते हैं यार हमें काम नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, अब मेरी आईडी आपके सामने है तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी काम कर रहे हैं, तवक्कुल अल्लाह चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देता है। बिल्कुल बेशक बेशक। अभी आप मुझे वीकली दिखाएं जरा पेमेंट अभी, क्योंकि दिखा देते हैं ना कस्टमर, ये देखें सर हमारे व्यूअर को पता चल जाए। अब ये देखें जी अर्निंग वन मंथ की कितनी शो हो रही है, ये देखें ना 1100 कुछ है ये, 1100 एक हफ्ते की इस आईडी की जी जी, 7 दिन की। उसके अलावा उबर की अलग है, गैंडो की अलग है, उबर की भी दिखा दे, सारों की मुख्तलिफ है। थोड़ा सा जरा हमारे व्यूवर्स को आइडिया हो जाएगा ना कि हाईलैंडर के ऊपर काम कैसा जा रहा है। अच्छा एक और बात बताएं कि हाईलैंडर मैंने सुना कि अभी आरटी में नहीं आ रही जी, अपना इसमें आरटी बोल रहा हूँ, आरटी अप्रूव नहीं कर रही अभी, क्या ये नई गाड़ी मिल रही है? नहीं मिल तो रही है सर, सुना मैंने सुना कि नहीं अभी नहीं आ रही है गाड़ी। नहीं आ रही है सर। आ रही है, मिल रही है जी जी। अच्छा अच्छा चलो सही है जी। अच्छा ये इसका वीक दिखा दें जी थोड़ा सा, चलो हमारे व्यूवर्स को पता चल जाएगा ना। अब इसमें 311 आपने करीम में काम किया जी जी, करीम है, यंगो है उसमें भी काम किया हुआ। यंगो में आइडिया कितना होगा? यंगो में भी इतना ही है, 300 यानी कि 2000 वीक ने आपने कमाया, 2000 टोटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी जबरदस्त हो गया जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। असल में सर मेरा दोस्त है इधर तो दिलशाद अहमद खान से, हाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप इधर आ जाएं। अच्छा अच्छा। तो मैं पहले पाकिस्तान में था तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे पीछे, माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने कोऑपरेट किया है, उनकी मेहरबानी है। वो आपके दोस्त उधर थे यानी कि जिसके लास्ट इधर ही है? हाँ इधर ही है जी जी। तो उन्होंने आपको सऊदी अरब से इधर ही बुलाया जी जी कि इधर आ जाएं, वो भी इसी फील्ड में जी जी, इसी फील्ड में सर, माशाल्लाह उनकी बहुत मेहरबानी है और आपकी वीडियो देखी जी जी, तो इस वजह से इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह। बस कहने का ये मकसद है सर, जो भी बंदा जिस फील्ड में भी है ईमानदारी से अपना प्रॉपर टाइम दे, काम करे बिल्कुल जी, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा। तो ऐसे नहीं है कि बस आप खाली एक जगह पे ठहरे रहे, जिधर मैसेज नहीं आपको लग रहा, आप कोशिश करें मूव हो जाएं उस जगह से, सही बात है, किसी और जगह पे चले जाएं। ठीक है। तो बंदे बस इधर आते हैं एक ही जगह पे ठहरे रहते हैं, कहते हैं बस इधर ही से हमें मैसेज लगना है, या हम एयरपोर्ट पे जाते हैं चार चार पांच पांच घंटे वेट करते हैं, ग्रुप बना के बैठे होते हैं लोग के काम, उधर भी सर मैसेज पड़ता है एक 25 दिरहम का या 30 दिरहम का है, चार घंटे के बाद, वो तो आपको टाइम जाया करने वाली बात है, अब बैठ से काम कर लें वो आपके लिए बेस्ट है। तो यही मेरा मैसेज है, बस आप अपने काम पर फोकस ज्यादा करें, इंशाल्लाह आपको काम बेहतर मिलेगा। मेहनत करने से ही देखेंगे, मेहनत करने से इंसान को सिला मिलता है, अगर हम मेहनत नहीं करते, तनकीद करेंगे लोगों के ऊपर भी, काम नहीं है काम नहीं है, इस तरह तो काम नहीं होता। मैं इसलिए ये मिसाल आपकी वीडियो बना के दे रहा हूँ कि देखें अभी भी काम है, जो बंदे काम नहीं करते वो उनके लिए काम नहीं है, जो बंदे काम करते हैं तो वो इन जैसे बंदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। तो ये अच्छी अर्निंग कमा रहे हैं माशाल्लाह, अपनी फैमिली को भी भेजते हैं, खर्चा अपना भी करते हैं, और वेल ड्रेस है, खुद के बॉस है, किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो अब ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया सर, आप आए सर, बहुत खुशी हुई यकीन करें आपसे मिलके, उधर ही सऊदी में था, बस यही एक ख्वाहिश थी हाँ भी उधर जाना है तो आपसे भी मिलना है, थैंक यू, तो आप आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी, आपने हमारे हमें इस काबिल समझा, हमारी लिए आप ये सोच रखते हैं, जज़ाकअल्लाह सर। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो माशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और इसी तरह की मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाता रहूँगा आपके लिए, बेहतरीन से बेहतरीन बिज़नेस के हवाले से बताता रहूँगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको वीडियो मिल सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।